चलिए खबरों का रुख करते देवास से। खबर है जहां पे सीएम हेल्पलाइन नंबर पर अवैध शराब की शिकायत के बाद आबकारी विभाग की टीम ग्राम बड़ी चुरलाए पहुंची है, जहां पे शराब पकाई जा रही थी। इस दौरान आबकारी अधिकारी और दूसरे लोगों में भी झूमर झटकी हुई है और इस घटना में महिला अधिकारी की वर्दी फट गई। घटना का वीडियो सामने आया, फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरविंद, कब की ये घटना है? जी बताऊं, देवास जिले की हम बात कर रहे हैं। देवास जिले में अवैध जो शराब है वो जोर शोरों से बिक रही है। देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और देवास आबकारी अधिकारी जो मंदनांकिनी पांडे जी हैं, साफ तौर से कई बार यहां पर लोगों ने शिकायत करी है, 108 में शिकायत की है। स्थानीय पुलिस शराब को पकड़ रही है, लेकिन आबकारी अधिकारी हाथ का हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं। बात करें कल की बात, तो कल यही 181 पर जो शिकायत हुई थी सीएम, उसमें कि यहाँ पर अवैध शराब बिक रही है, वहां पर महिलाएं अड़ोसी पड़ोसी निकलते हैं। उन्होंने शिकायत की, शिकायत के बाद आबकारी विभाग जागा था। और देखिए जितनी शर्मनाक बात करें कि सिर्फ महिला अधिकारी अपने दो जवानों के साथ वहां पर पहुंच गई, जबकि घर में घुसते से ही महिला के साथ विवाद हुआ और विवाद में दोनों झूमा झटकी हुई, दोनों ही झूमा झटकी कर रहे थे। और मैडम वहां पे साफ तौर से चिल्ला रही है, मेरा वीडियो बना। वीडियो बनाने से क्या मतलब, छुड़वाना था, महिला कैंसर को साथ में लेकर जाना था। दोनों के बीच में झूमा झटकी हुई और जिसमें जो निधि शर्मा सब इंस्पेक्टर है, वहां की प्रभारी है, उनने झूमा झटकी करी और उन्होंने बोला कि जो महिला झूमा झटकी कर रही थी इसका वीडियो बना। ये भी बोला मेरे को छोड़ो, किस बात पे शराब पकड़ रही, ये कुछ भी नहीं, अंदर घुसी और देखिए साफ तौर से वहां से भागते हुए नजर आ रही हैं उस घर से। इसकी बात जब हमने अधिकारियों से बात करी तो अधिकारियों ने बोला कि हम जाके इसकी एफआईआर करवा रहे हैं। लेकिन बात करें देवास जिले की, देवास जिले में जो है सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जो हम बात करें, जहां वीआईपी लोग, वहां पर भी डायरी सिस्टम होता है। डायरी सिस्टम से देवास में दारू घर घर धर चौराहे पे बिक रही है। ये डायरी सिस्टम की हमने बात करी कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से, तो बोले मेरे को भी नहीं मालूम, जो यहाँ का शराब ठेकेदार है, ये बीजेपी के यहाँ के नेता है, उनके शराब के ठेकेदार है पूरे देवास जिले में। और पूरे देवास जिले की बात करें तो ये आम शिकायत होगी, जब लोग अब खुद 181 पर शिकायत कर रहे हैं कि हमारे घर के आस में, हमारे घर के पड़ोस में शराब बिक रही है। देवास जिले की हम बात करें, देवास जिले में बड़ी शर्मनाक घटना है ये कि देवास जिले में घर घर शराब बिक रही है, चौराहे पे शराब बिक रही है, गुमटियों में शराब बिक रही है। लेकिन आबकारी अधिकारी कलेक्टर की मिली भगत से कह सकते हैं कि ये शराब बिक रही है, लोगों को शिकायत करना पड़ रही है 181 पर। इसके बाद आबकारी विभाग जागता है तो सिर्फ एक जो छोटी मोटी कार्रवाई करने के हिसाब से जाते हैं, लेकिन वहां पर महिला से विवाद हो जाता है। जी तो बिल्कुल कहीं ना कहीं यहाँ पे संरक्षण है, लेकिन जो अधिकारी कार्रवाई करना चाहते तो उनके साथ भी देखिए किस तरीके से सुलूक किया जाता है। फिलहाल जानकारी देने के लिए शुक्रिया। एक और बड़ी खबर का रुख करते जबलपुर से आ रहे, जहां पे केंद्रीय ज्वेल की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही आई है। सफाई कर्मचारियों ने बंदी को मोबाइल फोन के साथ पकड़ा है। प्रशासन कह रहा है कि बाथरूम से मोबाइल मिलने की बात और दमोह जेल से आए देवेंद्र नाम की बंदी से पूछताछ की जा रही है। जेल प्रशासन ने शुरू की पूरे मामले की जांच। जो बंदी है उसके पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है और जिसके बाद से जेल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। केंद्रीय जेल की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, देखिए किस तरीके से सेंध मारी की तस्वीर सामने आई है। खंड में बैरिक नंबर 10 से दंडित बंदी देवेंद्र बलिराम के पास से तो नहीं, वहां के शौचालय से एक बंद हालत में एक छोटा मोबाइल मिला है, जिसकी जांच चल रही है और जांच पूरी होने के बाद में ये तथ्य जो भी सामने आएगा उसके बाद में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।